أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم بهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, गज़वे बदर के हालात व वाक़ियात का सिलसिला शुरू है। आज की इन पहली आयात मुबारका का ताल्लुक भी गज़वे बदर के साथ है। अल्लाह ताला ने इन पहली आयात मुबारका में जंग की कामयाबी के उसूल बयान फरमाए हैं कि जब मुसलमानों की कुफार के साथ जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो फिर जो इंसान इन उसूलों पर अमल करता है, अल्लाह ताला उस जंग के अंदर मुसलमानों को फतह और कामरानी अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला ने पहली आयात मुबारका के अंदर मैदान जंग के अंदर फतह हासिल करने के उसूल बयान फरमाए हैं। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जिस वक़्त मुठभेड़ हो जाए तुम्हारी किसी जमात से, लड़ाई हो जाए, मुकाबला आ जाए तुम्हारा किसी जमात के साथ, फसबुतू, तो साबित कदम रहा करो। जंग के अंदर कामयाबी का पहला उसूल साबित कदम रहना है। साबित कदम का मतलब ये है, कुछ भी हो जाए, हालात कैसी भी आ जाएं, मैदान को छोड़कर नहीं भागना बल्कि साबित कदम रहना है। ये उसूल है पहला कामयाबी का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत और आदत ये है, जो लोग मैदान जिहाद में जाते हैं, जंग में जाते हैं, अपनी सर तन की बाजी लगा देते हैं और कायम हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उस मेहनत और कोशिश पर अल्लाह ताला जो है वो फतह भी देते हैं और अजर भी देते हैं। ये नहीं है कि घर में इंसान बैठा रहे और दुश्मनों पर फतह हासिल हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कादिर है, हो सकता है, लेकिन आम तौर पे अल्लाह ताला की सुन्नत और तरीका ये है, पहले इंसान अपने आप को मैदान जिहाद के अंदर ले जाए, फिर साबित कदम हो जाए, फिर अल्लाह ताला की मदद उतरती है। इरशाद फरमाया, फसबुतू, साबित कदम रहा करो। पहला उसूल बयान फरमा दिया कि साबित कदम रहना है, जम जाना है, जिस किस्म के हालात भी हैं हटना नहीं है। आगे इरशाद फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जंग के अंदर कामयाबी का दूसरा उसूल बयान ये फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब इंसान मुसलमान मैदान जिहाद में होता है, मैदान में होता है, सामने दुश्मन है, तीर है, तलवार है, हर किस्म की गोलियां चल रही हो, फिर भी इंसान अल्लाह ताला के जिक्र को ना छोड़े बल्कि अल्लाह का जिक्र करना, ये इस बात की अलामत होती है कि उस इंसान और मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है और मोहब्बत भी अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा है। इसलिए मैदान जिहाद के अंदर जिक्र कसरत के साथ करने का हुक्म दिया। वजह यह है कि जब जिक्र उस मुश्किल हालात के अंदर आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर दिल को इत्मीनान भी मिलता है, दिल को सुकून भी मिलता है, दिल इंसान का मजबूत भी हो जाता है और इंसान के जहन के अंदर ये बात होती है, मैं उस जात के लिए लड़ रहा हूँ जो जात कादिर मुतलक है, वो जात हमेशा हमेशा रहने वाली है। जब ये ख्यालात तासुरात इंसान के दिल में होते हैं, फिर कुफार के साथ लड़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। और जो अल्लाह का जिक्र मैदान जिहाद में कसरत के साथ करता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जिक्र की बरकत से फतह अता फरमा देते हैं। लेकिन तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है, तीन मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बुलंद आवाज से जिक्र करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर मैदान जिहाद के अंदर इंसान अल्लाह का जिक्र करे, इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करना, लेकिन कभी कभी क्या है, बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद कर देना, ये भी क्या है, बहुत
बहुत ज्यादा मुस्बत है, क्योंकि जब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद आवाज से लगेगा तो कुफार के दिलों पर हैबत और दबदबा तारी हो जाएगा, लेकिन ये कभी कभी बुलंद आवाज से जिक्र करना है। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है, फरमाया तीन मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला को बुलंद आवाज से जिक्र करना पसंद नहीं है। नंबर एक, मैदान जिहाद में जिक्र करना है कसरत के साथ, लेकिन क्या है भाई, बुलंद आवाज से नहीं। कभी कभार कोई नारा लगा दिया जाए, लेकिन मुसलसल बुलंद आवाज के साथ इस तरीके से जिक्र करना अल्लाह को मैदान जिहाद में पसंद नहीं है। नंबर दो, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज जनाजा के बाद बुलंद आवाज से जिक्र करना ये भी अल्लाह ताला को पसंद और महबूब नहीं है। हमारे माशरे में ये कमी भी पाई जाती है, मैयत उठाते हैं और एक आदमी नारे वो कलमे शहादत कहता है, सारे के सारे बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिक्र करना चाहिए लेकिन ऐसा आवाज के साथ, बिल्कुल हर आदमी खुशू और तवज्जो के साथ जिक्र करे, उस मौके पर भी बुलंद आवाज से जिक्र अल्लाह के यहाँ शरीयत के अंदर क्या है भी मसनून नहीं है। तीसरे नंबर पे फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद भी बुलंद आवाज से जिक्र करना ये भी अल्लाह ताला को महबूब नहीं है, पसंदीदा नहीं है। जिक्र करना चाहिए नमाज के बाद, अहादीस तय्यबा में इस बात का आया है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े जाए, अल्लाह अकबर इस तस्बीह को पढ़ा जाए, लेकिन ऐसा आवाज के साथ, ना के बुलंद आवाज के साथ। बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, दूसरा उसूल जो क्या है कामयाबी का है जंग के अंदर, वो क्या है भाई, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना है ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे फरमाया वातीउल्लाह व रसूलहु, तीसरा उसूल इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। यानी मैदान जिहाद के अंदर जो सबसे बड़े अमीर हैं वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके अंदर भी मैदान जिहाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, और फरमाया आम हालात के अंदर भी इताअत किसकी करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। क्योंकि हर आदमी जब अपनी मनमानी करने लग जाता है, हर आदमी अपनी राय पे चलने लग जाता है, फिर आम तौर पे ये मैदान इंसान को फतह नहीं हुआ करते, क्योंकि हर आदमी अपनी मर्जी से जब काम करने लग जाए फिर वो कुव्वत इंसान के अंदर नहीं रहती जो क्या है जमात के अंदर कुव्वत हुआ करती है। हमारे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल इरशाद फरमाई है, अगर आपने कुव्वत देखनी है तो फरमाया एक रस्सी को ले लो, ये रस्सी है जब उसको अच्छे तरीके से बटे दिए हुए हों तो उसके अंदर कितनी ताकत और मजबूती होती है। फरमाया अगर उसके एक एक रेशे को धागे को अलग कर दिया जाए तो उसकी सारी की सारी ताकत खत्म हो जाती है। तो फरमाया अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर क्या है भाई, एक की इताअत करो, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, आपस में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आगे इरशाद फरमाया वला तनाजाउ फतफशलू वतज़हबरी हुकुम वस्बिरू, फरमाया आपस में झगड़ा ना किया करो फिर तुम हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। यानी क्या है, अगर दुश्मन का मुकाबला करना है तो मुसलमानों को एक जान होना पड़ेगा, आपस के इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। जब इख्तिलाफात होंगे फिर क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम कमजोर भी हो जाओगे और तुम्हारी क्या है भाई हवा भी उखड़ जाएगी। बस बिरू, और चौथा उसूल ये बयान किया है कि सब्र करना है। कई सारे शहीद होंगे, कोई जख्मी होगा, कोई परेशान होगा, इन हालात के अंदर क्या करना है भाई, सब्र करना है। जो इंसान इन चीजों पर अमल करता है फिर अल्लाह की तरफ से कामयाबी हो जाती है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आगे अल्लाह ताला ने तकब्बुर की मुज़म्मत बयान की है, तकब्बुर ये बहुत बड़ी बीमारी है, और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब ये है वो पहली मर्तबा दाखिल नहीं होगा, सजा भुगत कर क्या है फिर जन्नत के अंदर जाएगा। इन तकब्बुर का मतलब ये है कि हक बात के आगे डट जाना, इसे तकब्बुर कहा जाता है। जब दलील के साथ मालूम हो जाए कि फलां आदमी ठीक है फिर भी उसके खिलाफ डटे रहना, इसको क्या है भाई तकब्बुर कहा जाता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर इंसान के दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वला तकूनु कल्लजीन खरजू मिन दियारिहिम, ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो निकले अपने घरों से, बतरं वरिआ अन्नास, अकड़ते हुए और लोगों को दिखाने के लिए। इनसे कौन मुराद है भाई, इनसे वो जो निकले थे मुशरिकीन मक्का अकड़ते हुए, ढोल मचाते हुए, औरतों को लाए, शराबें उन्होंने पी हैं, 10-10 ऊंटों को हर हर मरहले में उन्होंने जिबा किया और बड़ी बड़ी बातें कसते हुए मैदान के अंदर उतरे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे ना हो जाओ, तकब्बुर नहीं होनी चाहिए बल्कि इंसान में क्या होना चाहिए भाई, आजजी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के मौका पर, जरा रिवायात के अंदर पढ़ो, फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए लेकिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे। उलमा ने लिखा है, अहादीस तय्यबा में आया है कि ऐसे अकड़ कर दाखिल नहीं हुए फतेह मक्का में, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजजी के
के साथ क्या है भाई दाखिल हुए। हमारे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, ये फूल जैसे चेहरे मिजाक करते हैं आदमी का, इन्हें ये कौन बताए कि मकाम ऊंचा है सादगी का। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, इंसान में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल्लाह किसी को इज्जत दे तो वो अल्लाह की देन समझे कि या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था, तेरा शुक्र है तूने मुझे इज्जत दी है। किसी को जवानी दे दे, किसी को इलम दे दे, किसी को औलाद दे दे, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये मिल जाने के बाद इंसान में तकब्बुर नहीं बल्कि क्या होनी चाहिए भाई, आजजी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए निकले, वरिया अन्नास और लोगों को दिखाने के लिए निकले कि देखो हम इतने अफराद के अंदर हैं। फरमाया हुआ है सुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। उनके निकलने का मकसद क्या है भाई, अल्लाह के रास्ते से रोकना था। वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह ताला इहाता करने वाला है उनके अमलों का। आगे फरमाया हुआ इज ज़य्यना लहुमुश शैतान, इस आयत का पसे मंजर और शान नज़ूल मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मक्का से मुशरिकीन मक्का निकले, आप हज़रात ने सुना है अभी मैदान बदर का वाकिया कि 1000 की तादाद के अंदर वो लोग निकले, तैयारी के अंदर निकले, बड़े खुश होते हुए निकले, इतराते हुए निकले। जब वो निकलने का उन्होंने इरादा किया ना मक्का से, तो उनके दिल के अंदर एक शुबा पैदा हुआ, वो शुबा ये पैदा हुआ कि सुराग ये और दूसरे कबाइल के साथ भी उनकी लड़ाई थी, मुशरिकीन मक्का की दूसरे कबाइल के साथ भी क्या थी भाई लड़ाई थी। उन कबाइल में से एक कबीले का नाम था बनू बकर, ये बहुत लड़ाका कबीला था, बहुत मजबूत कबीला था, और ये इनकी और मुशरिकीन मक्का की आपस में क्या थी भाई लड़ाई। जब वो मैदान वो मक्का से निकलने लगे तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हम तो मदीना में मदर में जाकर मुसलमानों से लड़ेंगे, हमारी औरतें और बच्चे मक्का में रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बनू बकर कबीला मक्का पर हमला करे और हमारी औरतों को कैद करके ले जाए, हमारे बच्चों को कैद करके ले जाए। ये शुबा उनके दिलों के अंदर क्या हो गया, पैदा हो गया। तो इससे निमटने के लिए उन्होंने दारुन नदवा में फिर इजलास बुलाया, जैसा कि पहला जिक्र किया कि दारुन नदवा एक जगह का नाम था जहाँ पे वो आपस में क्या करते थे, कौमी मशवरे हुआ करते थे। तो जब वहाँ पे मशवरा हुआ कि क्या किया जाए, उधर तो मैदान बदर में हम मुसलमानों से लड़ने के लिए जा रहे हैं और जा भी सारे के सारे बड़े बड़े रहे हैं, सारे सरदार जा रहे हैं, पीछे मक्का में तो कोई है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कबीला बनू बकर वाले मक्का पे हमला करें और हमारी औरतों को कैद करके ले जाएं, बच्चों को कैद करके ले जाएं। अभी ये दारुन नदवा में जो है मशवरा जारी था तो सुराका इब्ने मालिक की शक्ल के अंदर शैतान आया, क्योंकि शैतान जिन में से है ना, जिन्नात में से, और जिन्नात को अल्लाह ने ताकत दी है जैसी मर्जी सूरत इख्तियार कर ले, गधे की भी सूरत कर सकते हैं, बिल्ले भी बन सकते हैं, इंसानों की सूरत भी। तो शैतान जो है उस दारुन नदवा के अंदर क्या है, अपने चेलों के साथ इंसान की शक्ल में आया, और वो इंसान कौन था, सुराका इब्ने मालिक, कबीले बनू बकर का सरदार था सुराका बिन मालिक। तो इसने आकर कहा भाई तुम हमारी वजह से परेशान ना हो, मेरा नाम है सुराका बिन मालिक और मैं कबीले बनू बकर का सरदार हूँ, हमारी लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं, तो मुसलमान तो हमारे मुश्तरका दुश्मन है, लिहाजा हम सब के सब क्या है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और मुसलमानों के साथ लड़ाई करने के लिए। तो शैतान उस शक्ल में आया, अबू जहल के हाथ में हाथ डाला हुआ मैदान बदर में आया और हाथ पकड़ा हुआ था, एक हाथ उसने क्या है अबू जहल का पकड़ा हुआ और एक हाथ जो है अबू जहल का भाई जो हारिस बिन हशाम था ना उसका हाथ पकड़ा हुआ, दोनों का हाथ पकड़ता हुआ ऐसे अकड़ता अकड़ता मैदान के अंदर आया। जब मैदान के अंदर आया तो फिर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरे 3000, जैसा कि आपने पीछे सुना है कि 3000 फरिश्ते जब मैदान बदर में क्या है भाई उतरे, तो फरिश्तों को देखकर अबू जहल का हाथ छुड़वा के भाग गया, वो कहने लगे ओ भाई इधर आ सुराका कहाँ जा रहा है, ना भाई ना मेरी ताकत नहीं है लड़ने के लिए, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, वहां से भाग गया। बहुत बेइज्जती की, बहुत गालियां निकाली, बहुत बुरा भला कहा, इसने कहा मैं तो वापिस नहीं आता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये शैतान का काम ही यही होता है, पहले इंसान को गलत काम करवा देता है फिर पीछे हट जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया कि इंसान का क्या, शैतान इंसान का क्या है भाई, अदुव मुबीन, खुलम खुला दुश्मन है, हर वो काम शैतान करवा देता है जो इंसान जो करने के बाद बहुत पछताता है, लेकिन न फिर आगे जाने का रास्ता न पीछे मुड़ने का रास्ता। इसीलिए हमें शैतान से क्या है भाई बचना चाहिए। इसी चीज का जिक्र यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ ज़य्यना लहुमुश शैतान, काबिले जिक्र है वो वक़्त जब मुज़य्यन किया उनके लिए शैतान ने आमालहुम उनकी कार्रवाइयों को, वक़ाल अला ग़ालिबलकुमुल यौमा मिनन्नास, और कहा शैतान ने लोगों में से कोई शख्स आज के दिन तुम पर गालिब आने वाला नहीं है, वसवसा डाल रहा है कुफार के दिल में, आज तो इतनी जमात तुम्हारे पास इतना असला, आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ये शैतान कुफार को पट्टियां पढ़ा रहा है और उनके दिलों के अंदर क्या डाल रहा है, वसवसा डाल रहा है। वह इन्नी जारुल्लक
रब्बुकुम और मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। है भाई, ऐसे सीने पे हाथ रख रख के मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कौन सा मसला है। फरमाया फलम्मा तराअतिल फियातान, जब दोनों जमाते रूबरू हो गई, आपस में मुसलमानों की और कुफार की जमातें क्या हो गई भाई, आपस में हो गई। नकसा आला की भाई ही, तो शैतान वापिस लौटा अपनी एड़ियों के बल, हैं पीठ फेरी, हाथ छुड़वाए और भागने वाले की। वकाल इन्नी बरी उन मिनकुम, उसने कहा मैं तुमसे ला ताल्लुक हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक शाल्लुक नहीं है। इन्नी आरा माला तरउना, बेशक मैं देखता हूँ वो चीज जो तुम नहीं देखते। फरिश्तों को देखकर और रुकने लगा, कहने लगा तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता क्या है भाई, अलग। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। फरमाया वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। ये हाथ छुड़वा के उसने क्या की है भाई, भागने वाली की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इज यकूलुल मुनाफिकूना, अब देखो भाई, जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मैदान बदर में जा रहे थे, तो मुनाफिकीन एक बात कहने लगे। जब कहा मुनाफिकों ने, वल्लजीना फी कुलूबिहिम, और उन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है, गर्रहा उलाई दीनुहुम, इन लोगों को इनके दीन ने धोखे में डाल दिया। क्या है भाई, कहने लगे ले थोड़ी सी जमात है सहाबा की, आज इस्लाम ने इनको कैद डाल दिया भाई, धोखे में डाल दिया, आज तो ये मर के आएंगे, आज ये कामयाब होकर नहीं आते। किन्होंने कहा था, मुनाफिकीन ने कहा था, और जिनके दिलों में क्या था भाई, मर्ज था। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस एतराज का अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कुर्बान जाइए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर, जब भी कुफार और मुशरिकीन मुनाफिकीन ने कोई बात भी की तो जवाब किसने दिया भाई, अल्लाह ताला ने। फरमाया उमय्य तवक्कल अल्लाह, जो कोई शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और क्या है भाई, हिकमत वाला है। सहाबा इकराम ने अल्लाह पे भरोसा किया, थोड़ी सी जमात, कोई चीज हाथ में नहीं है, ना असला है इतना ज्यादा, और ना कोई चलने फिरने की चीजें हैं, ना सवारी की चीजें हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और मैदान में उतरे। जब मैदान में उतरे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह भी किसको दी भाई, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को दी।